आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार देश के तमाम पार्टी के नेताओं से मिले, सबसे आग्रह किया कि महागठबंधन को एक रूप दिया जाए और सब मिलकर हम भाजपा से लड़ें, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिलने गए। ममता बनर्जी के से जब वो मिल रहे थे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने नीतीश जी से आग्रह किया है कि जो लड़ाई आपने शुरू की है, ये पटना से इसकी बैठक बुलाइए, पटना में सारी पार्टियों के नेताओं का जुटान कीजिए और फिर से ये लड़ाई बिहार की धरती से ही शुरू हो। ममता बनर्जी ने शायद ये सोच के कहा होगा कि जयप्रकाश नारायण ने इसी धरती से, पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो जन आंदोलन शुरू किया था, जो लड़ाई शुरू की थी, उसका नतीजा ये निकला कि देश की ही नहीं विश्व की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को उन्होंने पटखनी दे दी थी। अब क्या कांग्रेस अपनी ही उस नेत्री इंदिरा गांधी को, जिसने कि बिहार की धरती से आंदोलन शुरू कराकर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पटखनी दी थी, क्या कांग्रेस उसी बिहार में, उसी पटना में नीतीश के न्योता पर आना चाहेगी? क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि उसके पास अभी जिस तरीके का पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहिए, वो अभी नहीं है। कांग्रेस ये भी समझती है कि शायद नीतीश कुमार कहीं उसका उपयोग ना कर ले। कांग्रेस जो है राजद के कारण नीतीश से भी दूरी बना के रखना चाहती है। लेकिन पहले हम वो ममता बनर्जी के शब्दों को सुनवा दें जिसमें उन्होंने नीतीश जी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हमने नीतीश जी को कहा है कि आप पटना से ये आंदोलन शुरू कराइए और इसकी बैठक पटना में हो। सुनिए जरा। बंगाल में हम तो नीतीश जी को एक ही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जो मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलकर मीटिंग करे, एक पहले भड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है। आपने सुना, ममता बनर्जी सीधे तौर पर नीतीश जी को कह रही हैं कि आप पटना से ये आंदोलन शुरू कराइए। ममता बनर्जी ने जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना निश्चित तौर पर कहा कि जयप्रकाश जी ये आंदोलन जो है शुरू किया था, नाम भी ले लिया। फिर तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस 12 जून को जो बैठक होने वाली है, जो अभी असमंजस बनी हुई है, उस बैठक में तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम, हमारे बड़े नेता बाहर हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक तरह से 3 दिन पहले कह दिया है कि हमारे बड़े नेता राहुल गांधी या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी नहीं जाएंगे, कोई जो है वो महासचिव स्तर का नेता उस बैठक में निश्चित तौर पर जाएगा। क्या कांग्रेस अपने को इस महागठबंधन से अभी दूर रखना चाहती है? शाम तक खबरें निश्चित तौर पर आ जाएंगी, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने सबको कहा है कि 12 जून की बैठक हो, लेकिन नेताओं के तरफ से उसमें खबर आ रही है कि कोई भी 12 जून को बड़े नेता उपलब्ध नहीं है। क्या नेता उपलब्ध नहीं है या बिहार की राजधानी पटना आना नहीं चाहते हैं? सब लोग अभी वेट एंड वॉच, देखो फिर निर्णय लेंगे, इसके मूड में है। देखना अब ये होगा कि नीतीश कुमार शुरुआत करने के पहले ही क्या पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश के कहने पर कोई नहीं आ रहा है। जो भी लोग हैं महागठबंधन के, जो कुछ नेता हैं, वो आ तो रहे हैं, वो टटोलना चाहते हैं वजन कि आखिर कितना वजन नीतीश कुमार में यहां है, कौन कौन पहुंच रहा है। लेकिन जैसी कि खबर हमने आपको अभी बताई है कि शायद बड़े नेता, यदि 12 जून को ये महागठबंधन की बैठक होती भी है,
तो बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब वो और हमारे राहुल गांधी जो हैं वो नहीं जाएंगे। देखना यह है कि यदि 12 जून को यह बैठक होगी तो कौन कौन से नेता शामिल होते हैं और नीतीश कुमार अपनी इस महागठबंधन की बैठक को जो बिहार की धरती पर ममता बनर्जी के कहने पर बुला रहे हैं कितना सफल हो पाती है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।